अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो अभी से कुछ देर पहले, लाइक 2 or 3 hours ago, हमारे जो एक फेलो ब्लॉगर हैं, हुमायस जिनका नाम है, उनकी जो है ना कल रात से उनकी जो है ना कुछ स्टोरीज अजीब अजीब आ रही थी। जैसे वो कभी मार्स खा रहे हैं, छोटी सी वो बाइट्स जो होती हैं, कभी उनको ओपन करके दिखा रहे हैं, कभी बाउंटी खा रहे हैं, और आज वो खा रहे थे मसाला फलूदा। तो मैंने उनको मैसेज भी किया कि आप अकेले अकेले खा रहे हैं, लेकिन है तब तो मैंने काफ़ी अर्से के बाद, मतलब काफ़ी देर बाद मैंने वो स्टोरी चेक की थी, तब तक तो जाहिर बात है कि वो खा पी के हज़म कर गया होगा। तो अभी फिर से अगेन बासित भाई और मैं और एक और बंदा जिसने नाश्ते का प्लान हमारे साथ किया था, लेकिन वो नहीं था आया, दिस वन शाज़ेब रफ़ी। हाँ, तो आज क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो मैंने और बासित भाई ने सोचा कि हुमायस भाई की तरह हम जो हैं आज फलूदा खाएं। क्यों बासित भाई? नहीं, तुमने बाद में जब तुमने सिर्फ हाँ किया, तुमने सोचा नहीं था होगा। तो अभी ये है कि हम लोग जा रहे हैं सदर बाज़ार में, वहाँ जाके एक डिसेंट फलूदा बने हैं, वहाँ से हम आज फलूदा खाएंगे। इस वक्त हम लोग सदर बाज़ार पहुँच चुके हैं, और इस वक्त सिवाय इस क्लॉक टावर के और कुछ भी यहाँ पे नहीं चमक रहा, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका है। और आई होप नहीं, बल्कि यहाँ पे जो कुछ शॉप्स हैं वो खुली हैं, क्योंकि ये खाने पीने की हैं, और यहाँ पे सिर्फ टेक अवे या कार के अंदर आप डाइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो इनके अंदर शायद नहीं बैठ सकते। और फिर से एक और दफ़ा जिस लास्ट ईयर हुआ था कि रात के टाइम जो है बड़ी सुनसान सुनसान सी फीलिंग आती थी, वही वाली फीलिंग जो है दोबारा से आनी शुरू हो गई है कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल टोटली सब कुछ सुनसान है, रोड सुनसान है, और क्या कह सकते हैं सिचुएशन को, लाइक वेरी वीर्ड सिचुएशन। तो हम लोग जो हैं डिसेंट कुल्फी पॉइंट के समथिंग ये वाले हैं पीछे, ये वाले हैं डिसेंट फलूदा कुल्फी हाउस। तो यहाँ जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, और ऑर्डर भी जो है वो हमने दे दिया है, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फलूदा। और फिर जो है मैं लगाऊंगा स्टोरी इंस्टाग्राम पे, और उसमें टैग करूंगा हुमायस को, हुमायस अली 9 मेरा ख्याल है, यही उसकी आईडी है, मुझे याद नहीं है, हुमायस अली तक का मुझे पता है। बहरहाल कोई बात नहीं बेटा, आपने चॉकलेट्स भी खाई, कुल्फी भी खाई, सॉरी फलूदा, तो अब मैं आपको टैग करूंगा। तो ये जी हमारा फलूदा जो है वो आ चुका है, और उसमें ये कुल्फियाँ हैं, और क्या है, रबड़ी है, शीरा है, बर्फ है, और साथ कुल्फी है। चलो ठीक है, अब हमारी जो है वो मज़े मज़े का जो फलूदा है वो आ चुका है, बासित भाई का भी आ चुका है, बासित भी ट्राई करें ज़रा, खा के देखें और बताएं हमें कि कैसा टेस्ट है। शर्म आ गई है इसको खा। जी बासित भाई, अच्छा टेस्ट है। विजय भाई ट्राई किया आपने? ये होते हैं फेक रिव्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, वी हैव ईटन आवर फलूदा, और बहुत फुलफिलिंग था माशाल्लाह, बहुत टेस्टी भी था। एक जो फलूदा है, जो पूरा बाउल मिक्स है, उसकी प्राइस है 220। और बस भाई आप कुछ और खाना चाहेंगे इसके अलावा? कुछ भी नहीं। क्यों? मीठा पान खाएंगे बता, क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी खाना खा गया था। क्या खा के हैं आप? पिज्जा खा के, मंचूरियन फ्राइड राइस खा के। आप पिज्ज़ा खा के हैं, आप मंचूरियन फ्राइड राइस खा के हैं, और क्या खा के हैं? बस इतने से खाया आपने, और उसके बावजूद आपने पूरा जो बाउल है फलूदे का फुल। ये तो बस चेक किया है, ये भी खाया पिया, ये भी सिर्फ चेक हुआ है। आगे हमारा फर्दर प्लान जो है वो कहाँ तक और क्या है? अब घर का प्लान, कुछ खाने का प्लान नहीं है आपका? थोड़ा बहुत, मतलब आपने कुछ खाया भी नहीं अभी तक, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ और थोड़ा सा कुछ खा लें। कमजोर ही आप अली मसल, इतने वीक हो गए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा क्या करूँ, मैं खुराक का अपनी का ध्यान नहीं रखता। सही। चलें जी, वैसे आई एम फुल, क्योंकि बहुत हैवी फलूदा था, लाइक सीरियसली बहुत फुल फिलिंग था। तो ये हमारा छोटा सा एक ब्लॉग था कि हमने फलूदा खाने बाहर आना था, और प्लस ये देखना था कि जी मार्केट्स की क्या कंडीशन इस वक्त आज, क्या सूरत हाल चल रही है। तो अब है जी छुट्टी टाइम, और अब हम लोग जाएंगे घरों को वापस। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सडन चेंजेस ऑफ प्लान, ये भाई साहब पान खा रहे हैं, बाबा जी सेल्फ, और हम लोग इस वक्त आए हैं कार केयर पे,
जहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ियों को जो है वो वॉश किया जाता है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जी ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ी विद इन 5 मिनट्स किस तरह वॉश होती है। तो जी कार वॉशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल तो सिर्फ अभी जो है वो टायर्स वगैरह को साफ करें नीचे से, ताकि जो बेस है गाड़ी की जो निचली साइड है वो उसकी थोड़ी सफाई हो जाए और फिर जो अपर पार्ट है वो होगा अंदर जा। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जाने लगे हैं इस भूत बंगले के अंदर। बेटा हम कहीं सफर पर नहीं जा रहे, तुम्हें क्या लग रहा है? तो वो मौत के खून में जा। तो जी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ब्रशेस अब घूमने वाले हैं और हमारी धुलाई होने वाली है। तो गाड़ी जो है वो इस वक्त न्यूट्रल है और गियर में भी नहीं है, ब्रेक्स भी प्रेस नहीं करनी और ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो अब आगे जा रही है। फाइनली गाड़ी जो है वो वॉश हो चुकी है और अब इसको जो है वो इसका ड्राइंग प्रोसेस होगा जो कि मैनुअली हाथों से ही होगा। तो इसलिए अब हम जो है गाड़ी से बाहर निकलेंगे ताकि जो इंटरनली सफाई है वो जो है गाड़ी की हो सके। तो जी गाड़ी भी हो चुकी है वॉश और सब कुछ हो चुका है, हमने फलूदा भी खा लिया, गाड़ी भी वॉश कर ली, तो अब है घर जाने का टाइम। देखें जी मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया कि मैं अल्लाह हाफिज़ कहूँ, व्लॉग एंड करूँ, लेकिन 1 दफ़ा कार वॉश बीच में आ गई और सेकंड टाइम हम लोग सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उतरे थे। ठीक है, आसिफ भाई ने मुझे ये पकड़ा दिए जो कि है एक हाफ बर्गर, अंडे वाला बर्गर, और ख़ुद वो देखें ये खा रहे हैं, ये देखें। अब अगर हम इस स्टेज तक पहुंच ही गए हैं तो फिर मेरे ख्याल से कि हमें मज़ीद वेट करना चाहिए, क्योंकि क्या पता एंडिंग तक कुछ और भी इसमें एडिशन हो जाए। So wait till the end. और मैं बात कर रहा था इत्तेफाक की, तो एक और इत्तेफाक हो गया। ये देखें भाई साहब, ये देखें जी ये कौन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई आपका हालत सो बैड भाई, 2 घंटे की ट्रैवलिंग बहुत बुरी हालत है। कहाँ से आ रहे हैं? चुरंडा, जहाँ पे हम कल रात को जाएंगे जी। तो यार वो कल मैंने आपकी कॉलेज से 2-3 पैसे उठाए थे लेकिन वो मैंने वापस फिर फेंक दिए थे जी। देख लिए थे मैंने आपकी वीडियो। ये बालों का आपने बाल कटवाए हैं क्या किए? कुछ नहीं, मैंने स्टाइलिंग नहीं करवाई अभी भी। ओके, तो जब घर जा रहे हैं जी। फाइनली वी आर गोइंग टुवर्ड्स होम, लेकिन लेट मी आस्क फर्स्ट, बासित भाई कुछ रह गया जो हम क्यों नहीं कार जा रहे हैं? दस दिन हम कार जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आइसक्रीम वगैरह? नो, कोई पेट खराब की मेडिसिन? नथिंग, क्योंकि आपने पहले फलूदा खाया है, फिर आपने कोल्ड ड्रिंक पी है, फिर आपने बर्गर खाया है, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर आपने पान भी खाया, फिर कोल्ड ड्रिंक पी है। अभी देख लो, अभी पिज्जा मैक्स आगे आ रहा है, पापा जॉन्स आ रहा है, देख लो, सोच लो, नहीं कोई मूड है, कॉफी पी लेते हैं बस। अभी कॉफी पीने आ रही है, थोड़ा सा सॉन्ग सुनने को। अच्छा चलें जी, ठीक है जी, आई थिंक दिस इज द एंड नाउ। तो शाज़िब ब्लूटूथ अब हो गया, तो आई होप कि दिस इज द एंड नाउ। तो अब आपसे चाहिए हमें फाइनली ये इजाज़त, तो हर बार की तरह ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और क्या है इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।